हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सेल्फ हिस्ट्री मैजिक। आज हम लोग क्लास टेंथ के सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है पॉलिनोमियल, के एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाइड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशियंट। इट मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज को निकालना है और जो जीरोज हैं और कोफिशियंट हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है ये प्रूफ करना है। तो पहला क्वेश्चन ही दिया है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। तो जीरोज निकालने के लिए इसको जीरो के इक्वल कर देते हैं और सबसे पहले हम लोग कंपेयर करते हैं किसके साथ, कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के साथ कंपेयर करते हैं। तो ए की वैल्यू निकल के आ जाती है, यहाँ से देखिए ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ए एक्स का एक्स स्क्वायर के साथ कंपेरिजन करेंगे तो ए की वैल्यू वन निकल के आ जाएगी, बी का टू एक्स के बी एक्स का टू एक्स के साथ करेंगे तो बी की वैल्यू माइनस टू निकल के आएगी और सी की वैल्यू माइनस एट निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग जीरोज निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट का जीरोज निकालेंगे। तो सबसे जीरोज निकालने के लिए एक्स स्क्वायर यहीं पे रहेगा और इसको दो टर्म में डिवाइड करेंगे। दो टर्म में डिवाइड करने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट और जो कांस्टेंट टर्म है उन दोनों का इंटू करते हैं तो वन माइनस एट इज इक्वल टू माइनस एट, ये निकल के आ गया। और इसको फैक्टर बनाते हैं, फैक्टर करते हैं इसका, तो टू फोर जा एट, इसका फैक्टर टू और फोर निकल के आ गया। और जो टू और फोर जो नंबर है उसको हमको उसमें प्लस या माइनस करने पे बीच वाली नंबर आनी चाहिए, मतलब माइनस का टू आना चाहिए। तो क्या कर दें, टू माइनस फोर कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाता है, माइनस का टू निकल के आ जाता है। और कोई भी कंडीशन नहीं है इनके बीच में कि माइनस का टू निकल के आ जाए, 2 माइनस 4 ही करेंगे तभी माइनस का 2 निकल के आएगा। अब यही कंडीशन को हम यहाँ पे रख देते हैं 2x की जगह पे, तो 2x और माइनस का 4, यहाँ पे 2 और 4 की जगह पे x x रख देंगे तो 2x माइनस 4, यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि 2 के पहले प्लस का साइन लगा है, तो प्लस का साइन 2x माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग पेयर बनाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और ये माइनस दिख रहा है तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो 4x अंदर प्लस हो जाएगा, कॉमन लेंगे माइनस का इज इक्वल टू 0, यहां पे पेयर बन गया इसका। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहां पे है, यहां पे x है तो एक x कॉमन निकल के आ जाएगा तो यहां पे एक x बचेगा और ये 2 हो जाएगा। अब देखिए यहां पे 4 टू जा 8 मतलब 4 कॉमन निकल के आ जाएगा, 4 कॉमन निकल के आ जाएगा, x अंदर ही रहेगा और 2 जा 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे देखिए x प्लस टू सेम है, इसका मतलब हमारा फैक्टराइजेशन जो हमने फैक्टर किया है, जो उसको 2x को हमने तोड़ा है वो सही है। अगर यहाँ पे प्लस होता यहाँ पे माइनस होता है, इसका मतलब जो हमने तोड़ा था 2x को वो गलत है। तो x प्लस टू को हमने कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस फोर इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू, x प्लस टू की वैल्यू 0 के बराबर है, x माइनस फोर की वैल्यू 0 के भी बराबर है और जब ये ट्रांसपोज होगा तो x माइनस टू हो जाएगा और यहाँ पे x प्लस फोर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि x की दो वैल्यू आई, माइनस टू और माइनस फोर, मतलब अल्फा और बीटा निकल के आया। क्या अल्फा को मान लेते हैं जो इसके जीरोज हैं, अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस टू और बीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम लोग रिलेशन शो करते हैं जो हमारे जीरोज आए हैं और जो कोफिशियंट है उसके बीच में।
तो आप सभी जानते हैं कि सम ऑफ जीरो क्या होता है, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस ये होता है माइनस बी अपॉन ए के। अब अल्फा और बीटा जीरोस हैं, इनका सम मतलब पी माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू यहाँ पे माइनस टू है, तो टू माइनस माइनस टू अपॉन ए, ए क्या है वन है, और अल्फा की जगह पे हम लोग माइनस टू करेंगे और प्लस का फोर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, अरे यहाँ पे टू, तो टू की वैल्यू टू के बराबर आ गई, ठीक है। और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये सभी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में कवर की हैं, उसको देख लीजिएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, सी अपॉन ए। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा, सी की वैल्यू माइनस सेट है, ए की वैल्यू वन है और अल्फा की वैल्यू माइनस टू है और बीटा की वैल्यू फोर है और यहां पे माइनस एट, तो टू फोर जा एट, माइनस एट इज इक्वल टू माइनस एट। यहां से पता चला कि जो हमारे जीरोज हैं और उसके कोफिशियंट हैं वो दोनों आपस में बराबर हो गए, है ना। तो इसका मतलब हमारा ये कंडीशन प्रूव हो गया, प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ये वाला भी क्वेश्चन उसी के जैसे है। 4s स्क्वायर 4s माइनस 4s प्लस का 1, ये है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर कर देते हैं, क्योंकि हमको क्या निकालना है, जीरोस, और इसको सबसे पहले हम लोग ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कंपेयर विथ किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के साथ। मतलब हमारा क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू फोर आ जाएगा, बी इज इक्वल टू माइनस का फोर आ जाएगा और सी इज इक्वल टू वन आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए होंगे। तो हम लोग यहां से जीरोज निकालने के लिए ये काम करते हैं, फोर एस स्क्वायर इसको पहले लिखते हैं, प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे डायरेक्टली फोर एस स्क्वायर लिखते हैं और इसको दो टर्म में डिवाइड करते हैं। तो इसको डिवाइड करने के लिए फोर मतलब एस स्क्वायर का कोफिशियंट और कांस्टेंट टर्म का इंटू करते हैं, मतलब फोर इंटू वन, तो फोर निकल के आ गया। अब फोर को ऐसे तोड़ना है, फोर को ऐसे तोड़ना है मतलब इसका ऐसे फैक्टर करना है कि दोनों का, दोनों फैक्टर का इंटू फोर आए, मतलब टू टू जब फोर करेंगे तभी ना फोर आएगा। और इसमें ऐसी ऑपरेशन लगानी है प्लस या माइनस की कि बीच वाली नंबर आ जाए, मतलब माइनस का फोर आ जाए। तो केवल एक ही कंडीशन है जिसके माध्यम से माइनस का फोर आ सकता है, अगर माइनस का टू और माइनस का टू कर दें तो माइनस का फोर आ जाएगा, बाकी अदर कंडीशन नहीं है। देख सकते हैं अगर यहाँ पे प्लस करेंगे और इसको माइनस कर देंगे तो जीरो आएगा, दूसरे कंडीशन में इसको माइनस कर देंगे इसको प्लस करेंगे तब भी जीरो आएगा, केवल ये कंडीशन सही है, माइनस माइनस टू इज इक्वल टू माइनस का फोर। तो यही उठा के कंडीशन हम यहाँ पे रख देंगे, तो माइनस टू एस है ना, फोर एस की जगह रख रहे हैं तो एस लगाना जरूरी है, तो 2s माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 1 डायरेक्टली आ जाएगा यहाँ पे। अब हम लोग पेयर बनाते हैं, तो पेयर बनाएंगे 4s स्क्वायर माइनस 2s, माइनस को हम कॉमन लेंगे माइनस 2s और अंदर क्या होगा माइनस होगा, 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। यहां पे देखिए 2s कॉमन आएगा क्योंकि 2 2 जा 4 और s
का स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे s जो मिनिमम टर्म वाले होते हैं वो कॉमन आ जाते हैं, तो 2s कॉमन आ जाएगा, तो 2 जा 4, 2 और एक s बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। और यहाँ पे देखिए माइनस का क्या आएगा, 1 कॉमन आएगा, क्या आएगा 1 कॉमन आएगा, कुछ नहीं कॉमन आ रहा है इसका मतलब 1 कॉमन आएगा, तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, इसका मतलब हम लोग इसका कॉमन ले सकते हैं, तो 2s माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, 2s माइनस 1 ही बचेगा, ये और ये बचेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा और एक 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब s 2s इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे भी 2s इज इक्वल टू 1 होगा, ये 2 नीचे चला जाएगा तो s इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, s इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, इसका मतलब s इज इक्वल टू 1/2 और 1/2, मतलब अल्फा और बीटा 1/2 के बराबर है, मतलब जो जीरोज हैं 1/2 और 1/2 है, ठीक है। अब रिलेशन शो करते हैं कोफिशियंट और जीरोज के बीच में, तो सम ऑफ जीरोज जो हैं वो क्या होते हैं, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा और बीटा क्या है, 1/2 और 1/2, दोनों का सम करेंगे डायरेक्टली कर देते हैं, 1/2 ये दो जीरोज हैं, और बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे बी की वैल्यू है माइनस का 4, ए की वैल्यू 4, ठीक है, ए की वैल्यू 4, तो यहां से सॉरी यहां पे देखिए माइनस भी लगेगा ना, क्योंकि माइनस का 4 है और बी में पहले से ही माइनस लगा है, तो माइनस माइनस 4, ठीक है। यहां से आप देखेंगे तो आधा और आधा डायरेक्टली करिए, आधा और आधा 1 होता है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा, क्या आएगा 2 ही आएगा, और 2 1 जा 2, तो 1 + 1 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस होगा तो 4/4, और ये क्या हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 4/4, तो कट होंगे, तो इसका मतलब 1 की वैल्यू 1 के बराबर है। यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर ये एलसीएम नहीं समझ में आया, हालांकि एलसीएम समझ में आ गया होगा, लेकिन डायरेक्टली करना है कैलकुलेशन, तो आधा हाफ एंड हाफ 1 होता है, ठीक है, तो डायरेक्टली 1 आ जाएगा और ये 4 से 4 कटेगा तो 1 आ जाएगा। तो ये सम ऑफ जीरोज हो गए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें तो सी अपॉन 1 होता है, क्या होता है सी अपॉन 1, क्या सी अपॉन ए होता है, सॉरी सी अपॉन ए होता है, और अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट, अल्फा और बीटा प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, मतलब 1/2 डायरेक्ट लिख सकते हो आप, 1/2 × 1/2, मतलब सी अपॉन, अब यहां पे सी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 4 है, तो 4 यहां पे देखिए 2 2 जा 4, 1/4 इज इक्वल टू 1/4, तो यहां पे देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर हो गए जो कोफिशियंट होते हैं उसके, तो ये रिलेशन प्रूव हो गया, ये हमारा रिलेशन प्रूव्ड हो गया, ये समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं पिछला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो, सबसे पहले हम लोग कंपेयर करते हैं ax² + bx + c के साथ, जिसकी वैल्यू 0 के इक्वल हम कर देते हैं, और a की वैल्यू क्या निकल के आई कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1। अब जीरोज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको दो टर्म में डिवाइड करते हैं, तो दो टर्म में डिवाइड करने के लिए 4s को दो टर्म में डिवाइड करते हैं, तो उसको डिवाइड करने के लिए s स्क्वायर का कोफिशियंट लेते हैं और 1 का, 1 कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों का इंटू करते हैं
तो 4 निकल के आ जाता है। 4 का कोफिशियंट, 4 का अगर फैक्टर करें तो 2 इंटू 2 के पार्ट में डिवाइड होता है, 2 इंटू 2 के पार्ट में बटता है, ठीक है, 2 इंटू 2 के पार्ट में बटता है, मतलब 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 4 निकल के आ जाएगा। मतलब अगर हम क्या करें, 4 बीच वाली लानी है, बीच वाली नंबर लानी है, तो हमको इसमें माइनस करना पड़ेगा और इसमें माइनस करना पड़ेगा, दोनों नंबर का माइनस करना पड़ेगा, तब हमारा जाके माइनस 4 निकल के आएगा। तो 4s स्क्वायर, अब यहाँ पे यही वाली ऑपरेशन रख देंगे तो 2s माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0, पेयर बना देंगे तो डायरेक्टली हमारा क्या निकल के आ गया, x की वैल्यू डायरेक्टली 1 अपॉन 2 क्या है, अल्फा और बीटा, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम लोग निकाल देंगे, हमारा रिलेशन प्रूफ हो जाएगा। ये वाला भी क्वेश्चन उसी के जैसा है, 6x² - 3 - 7x, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर की जो मैक्सिमम पावर होती है उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, फिर कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे। तो 6x² - 7x, इससे छोटी ये हो गई, फिर -3 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, जीरोस निकालना। फिर कंपेयर करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयरिंग, ax² bx + c = 0 के साथ कंपेयर करते हैं, तो a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू -3 है, ठीक है, इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका जीरोज निकालने के लिए सबसे पहले 6x² - 7x - 3 = 0 ये करते हैं, और जीरोज निकालने के लिए 7x को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, दो पार्ट में बांटने के लिए 6 और -3 का इंटू करेंगे, 6 और -3 का इंटू करेंगे तो 36 18 आएगा, वो भी माइनस का, और इसका फैक्टर निकालें अगर तो 2 9 जा 18 है ना, 2 9 जा 18, एक में माइनस आता है, किसी एक में माइनस आएगा तभी माइनस का 18 होगा। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इन दोनों में क्या ऑपरेशन लगाएं कि माइनस का 7 आ जाए, अगर हम ऐसा कर दें 2 - 9 तो माइनस का 7 आ जाएगा, इसका मतलब 9 माइनस में होगा, ठीक है, दो नंबर में एक नंबर माइनस में होगा, मतलब 9 वाला माइनस में होगा, बड़ी नंबर माइनस में होगी इसलिए बड़ी नंबर का साइन आ गया, तो 2 9 जा 18 तो माइनस का 18 ये आ गया और माइनस का 7 इधर आ गया, तो ये वाला उठा के डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 2 अब 7 को डिवाइड कर रहे हैं, 7 को बांट रहे हैं, तो 2x - 9x - 3 = 0। अब हम लोग पेयर बनाएंगे 6x² + 2x, ये पेयर बन गया -9x + 3 = 0, भाई माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर प्लस हो जाए। अब यहाँ पे देखिए 2x दिख रहा है, 2 3 6 होता है तो 2 भी कॉमन निकलेगा और x भी कॉमन निकलेगा, ठीक है, 2 की टेबल में आ रहा है 6 इसलिए 2 भी कॉमन निकलेगा और x भी कॉमन निकलेगा, तो 2x कॉमन निकल के आ गया और 2 3 6 x कॉमन निकला तो 1x बचा, मतलब 3x बचा और यहाँ पे 1, 3x + 1 माइनस 3 कॉमन निकला, यहाँ पे देखिए 3 की टेबल में 9 आ रहा है, 3 कॉमन निकला तो यहाँ पे क्या बचा है, 3 3 जा 9x और 1 = 0। यहाँ पे देखिए ये सेम है, इसका मतलब हमने जो इसको बांटा है 7x को वो हमारा सही है, तो 3x + 1 एक टर्म ये आ गया, मतलब ये कॉमन आ गया और एक बचेगा 2x - 3 = 0, ये बचेगा, इसको हम कह सकते हैं 3x + 1 = 0 और इसको कह सकते हैं 2x - 3 = 0, इसको हम कह सकते हैं 3x - 1 और x = -1/3।
और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 उधर जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 3, और 2 नीचे जाएगा तो x इज इक्वल टू 3/2। x की दो वैल्यूज निकल के आ गई, क्या क्या, x इज इक्वल टू -1/3 और 3/2, मतलब अल्फा और बीटा निकल के आ गया -1/3 और 3/2। ये जीरोज हैं, ध्यान दीजिएगा, 1/3 माइनस का और 3/2, ये दोनों जीरोज हैं। अब हम रिलेशन बराबर करते हैं, तो सम ऑफ जीरो क्या होता है, सम ऑफ जीरोज होता है -b/1 है। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा मतलब -1/3 प्लस 3/2 -1/3 प्लस 3/2, और b की वैल्यू हमने अभी निकाली है -7, तो --7, और a की वैल्यू 6, तो 6 ठीक है। अब देखिए अगर 3 और 2 का एलसीएम लें तो क्या आएगा, 6 आएगा। ध्यान दीजिएगा अगर प्राइम नंबर्स आए उन दोनों का इनटू कर देते हैं तो वही एलसीएम हो जाता है, तो 3 और 2 का एलसीएम करेंगे तो 6 निकल के आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करेंगे तो 3 2 6, तो दो बार आ रहा है 1 × 2, तो माइनस का 2 निकल के आ जाएगा, और प्लस 2 3 6, 2 3 6, 3 बार हो रहा है टेबल पढ़ेंगे तो 3 से इंटू करेंगे, 3 ऊपर है ना, तो 3 से इंटू करेंगे तो 3 3 9 इज इक्वल टू --+7/6। अब देखिए 9 में -2 जाएंगे तो कितना निकल के आएगा, 7 निकल के आएगा, तो 7/6 निकल के आया, यहाँ पे भी 7/6 निकल के आया, तो सम ऑफ जीरो 7/6 और जो उसके कोफिशियंट हैं 7/6 बराबर हो गए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू c/a हो गया। अल्फा और बीटा की बात करें तो -1/3 × 3/2 है, तो डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं 1/3 × 3/2 ये, और c की वैल्यू -3, ये आप देख सकते हैं, और a की वैल्यू 6। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 1 और 3 का इंटू करेंगे तो 3 ही आएगा, और 3 और 2 का इंटू करेंगे तो 6 ही आएगा, -3/6 और -3/6, मतलब इसको कट भी कर सकते हैं, तो 1/2 = 1/2, -1/2 = 1/2, तो यहीं पे प्रूफ हो गया, क्योंकि 3/6 है, 3/6 है, दोनों बराबर हो गए, तो प्रूफ हो गया कि जो जीरोज हैं और कोफिशियंट हैं दोनों बराबर होते हैं, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिए 5th नंबर क्वेश्चन है, 4u² + 8u। अब देखिए यहां पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ऐसा करते हैं कि 0 मान लेते हैं कोई भी कांस्टेंट टर्म, प्लस 0 कर देते हैं, इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, क्योंकि हमको जीरोस निकालना है, और कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + 0, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 4, बी की वैल्यू कंपेरिजन करेंगे तो क्या निकल के आएगी 8, और सी की वैल्यू कंपेरिजन करेंगे तो क्या निकल के आएगी 0 निकल के आएगी, कुछ नहीं तो मतलब वहां पे 0, ठीक है, तो समझ में आ गया। अब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, 4u² + 8u इज इक्वल टू 0, 0 नहीं लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पे मैं कंपेयर करने के लिए 0 लिखा था, यहाँ पे आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4u² दो टर्म दिए हुए हैं, 4u² 8u, तो देखिए 4 2 8 टेबल में आ रहा है, इसका मतलब 4 कॉमन निकलेगा छोटा वाला, और u यहाँ पे देखिए u कॉमन निकलेगा छोटा वाला, तो 4 कॉमन निकल के आ गया, और यहाँ पे u कॉमन निकल के आ गया, तो 4 1 4 एक बचा, और u
एक बार निकल गया तो यहाँ पे एक बचा। 4 2 8 u बाहर निकल के आ गया इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें संभव हो सकती हैं, 4u इज इक्वल टू जीरो और एक u प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। दो वैल्यूज आ जाएंगी u की, 4u इज इक्वल टू जीरो और 4 प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। 4 नीचे जाएगा तो 0/4 निकल के आ जाएगा और ये 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 निकल के आएगा। u इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, 0/4, 0/6, 0/9 ये सब जीरो ही होते हैं। तो u की वैल्यू यहाँ पे 2 निकल के आ गई, तो हम कह सकते हैं u इज इक्वल टू जीरो और माइनस 2। दो चीज़ें हो गई। अब देखिए सम ऑफ जीरोज निकालते हैं, क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरो तो क्या निकल के आएगा, माइनस बी अपॉन ए। अब दो चीज़ें निकल के आ गई हैं, जीरो और माइनस टू, इन दोनों का सम कर देते हैं। मतलब ये अल्फा और बीटा है, ध्यान दीजिएगा अल्फा और बीटा है, मतलब जीरोज हैं। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा करेंगे और यहाँ पे देखिए बी क्या निकल के आया है, 8 निकल के आया है, तो यहाँ पे माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे 1/4। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अल्फा की जगह पे अल्फा, बीटा की जगह पे बीटा रखेंगे, 0 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 8/4 ये है ना। तो यहाँ पे देखिए प्लस करेंगे 0 का किसी नंबर के साथ तो माइनस 2 आ जाएगा, उसी नंबर का 0 किसी नंबर का 0 के साथ प्लस करते हैं तो वही नंबर आ जाती है, 0 का माइनस 2 के साथ प्लस करते हैं तो माइनस 2 ही आ जाता है, 4 2 8 तो माइनस 2 यहाँ पे भी, तो माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2, सम ऑफ जीरोस और कोफिशेंट का अंतर हो गया। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या निकल के आएगा, c अपॉन a होता है, क्या होता है, c अपॉन a, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट में, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ये हो गया, अल्फा की जगह पे आप जीरो रखेंगे और बीटा की जगह पे माइनस 2 रखेंगे। c की वैल्यू 0 दी ही है, a की वैल्यू 4 होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 का किसी नंबर के साथ इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0 की वैल्यू 0। ठीक है, तो जो जीरोज है और कोफिशियंट है उसके बीच में जो रिलेशन है वो प्रूव हो गया, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, टी स्क्वायर माइनस 15, तो इसमें जीरोज निकालना है तो हम जीरो के बराबर कर देते हैं इसको और कंपेयर करते हैं किसके साथ, कंपेयरिंग विथ किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ए के साथ जब कंपेयर करेंगे तो ये टी स्क्वायर है, ये वेरिएबल है तब भी, है ना, एक्स स्क्वायर हो, बी स्क्वायर हो, ए स्क्वायर हो, एम स्क्वायर हो, वेरिएबल है, इसके साथ कंपेरिजन करेंगे तो ए की वैल्यू 1 आएगी। अब देखिए एक्स वाला टर्म नहीं है, एक्स वाला टर्म है क्या, नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। C की वैल्यू कांस्टेंट टर्म की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 15 है, C की वैल्यू माइनस का 15 है। ठीक है, अब हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है इसमें, एक टर्म दिया ही नहीं है, तो आप सभी जानते हैं कि 15 अगर लिखा हो तो इसका मतलब होता है रूट 15 इंटू रूट 15। ठीक है, 2 लिखा है तो 2 का मतलब होता है रूट 2 इंटू रूट 2, 3 लिखा है तो रूट 3 इंटू रूट 3। ठीक है, तो रूट 15 को हम क्या लिख सकते हैं, दो बार रूट 15 हो जाएगा, 15 का मतलब रूट 15 इंटू रूट 15 होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा 15 का स्क्वायर, दो तो 15 है रूट 15, तो रूट 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, यहाँ से क्या दिख रहा है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फार्मूला आपने छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजक्ल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये चीज़ें आपने छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ी होंगी। तो इसका मतलब हम क्या कर देते हैं यहाँ पे, टी टी प्लस रूट पंद्रह और टी माइनस रूट पंद्रह इज इक्वल टू ज़ीरो, जिसका मतलब टी प्लस रूट पंद्रह इज इक्वल टू ज़ीरो एक बार और टी माइनस रूट पंद्रह की वैल्यू एक बार ज़ीरो। तो हम सभी कह सकते हैं टी इज इक्वल टू माइनस रूट पंद्रह और एक में कह सकते हैं टी इज इक्वल टू, ये माइनस में ध्यान दीजिएगा तो ये ट्रांसपोज होगा तो प्लस का रूट पंद्रह निकल के आएगा, मतलब हम कह सकते हैं टी इज इक्वल टू रूट पंद्रह, वो भी माइनस का और एक बार रूट पंद्रह, दो हो गए, मतलब ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। ठीक है, अब हम लोग जैसे सम ऑफ जीरोज निकालते हैं वैसे ही सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। तो सम ऑफ जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी अपॉन ए। ध्यान दीजिएगा पहली क्लास में जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें मैंने बताई थी ये सभी चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं। तो माइनस बी अपॉन ए ये हो गया, और सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा और बीटा। और यहाँ पे देखिए बी की वैल्यू क्या दी है, ऊपर सबसे ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे, तो बी की वैल्यू ज़ीरो और ए की वैल्यू वन, और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू माइनस पंद्रह, देखिए माइनस रूट पंद्रह, ठीक है माइनस रूट पंद्रह, और प्लस बी की वैल्यू बीटा की वैल्यू रूट पंद्रह ये दी है, और 0/1 का मतलब 0 होता है, रूट पंद्रह एक माइनस में है एक प्लस में है तो 0 हो जाएगा। देखिए अगर -2 हो और +5 हो, -2 हो और +2 हो, -2 हो +2 हो तो 0 हो जाता है, ऐसे ही -15 है और प्लस माइनस रूट पंद्रह है और प्लस रूट पंद्रह है तो 0 हो जाएगा, तो 0 की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं, क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा होगा, तो अल्फा माइनस पंद्रह दिया है रूट का पंद्रह और बीटा क्या दिया है रूट का पंद्रह, देख सकते हैं यहां पे, और सी की वैल्यू क्या दी है माइनस का पंद्रह, माइनस का पंद्रह दी है, और एक ए क्या दिया है यहाँ पे माइनस का पंद्रह है, ए क्या दिया है वन दिया है। अब आप सभी जानते हैं कि रूट पंद्रह, अभी मैंने लिखा कि रूट पंद्रह इंटू रूट पंद्रह पंद्रह होता है भाई, पेयर में हम लोग क्या करते हैं, इसका मतलब ही होता है क्या, इसका मतलब ही होता है पंद्रह इंटू पंद्रह, तो अंदर में रूट के अंदर में 15 इंटू पंद्रह, तो 15 बाहर निकल आता है इसलिए ये 15 हो जाता है। ठीक, तो ये बाहर निकल के आ जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस का 15, तो 15 इज इक्वल टू माइनस का 15 इज इक्वल टू माइनस का 15। ठीक है, तो जो आपका जीरोज है वो कोफिशियंट से बराबर होता है, कोफिशियंट के बराबर होता है, ये हमारा प्रूफ हो गया। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, 3x² - 6 - 4। ठीक है, तो एक हमारा ये पॉलिनोमियल है एकदम फर्स्ट नंबर के जैसा ही है, तो हमको जीरोज निकालना है, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, और हम इसका कंपैरिजन करते हैं कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, मतलब ए की वैल्यू क्या 3, बी की वैल्यू क्या -1,
सी की वैल्यू क्या, माइनस फोर। ठीक है, अब हम लोग जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो वन है दिख रहा है यहाँ पे, इसको दो पार्ट में बांटते हैं, तो थ्री एक्स ऐसे लिखेंगे, मतलब थ्री एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर का कोफिशियंट जो है उसको लेंगे, और कांस्टेंट टर्म जो है उसको लेंगे, मतलब माइनस फोर। इन दोनों को इंटू करेंगे तो क्या होगा, थ्री फोर जा ट्वेल्व, वो भी माइनस का। अब देखिए इसका फैक्टर थ्री और फोर कर दें, थ्री और फोर ही कर दें, क्यों करें, क्योंकि इसमें कोई भी ऑपरेशन प्लस या माइनस लगाने पे बीच वाली नंबर आ रही है, बीच वाली नंबर का मतलब माइनस का वन आ रही है। ठीक है, माइनस का वन कब आएगी, जब बड़ी नंबर के साइन में माइनस लगेगा, बड़ी नंबर के साइन में माइनस लगेगा। देखिए थ्री माइनस फोर करेंगे तभी ना माइनस का वन आएगा, और ऊपर वाला ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो जाएगा, थ्री फोर जा ट्वेल्व। तो अब ये हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है, इसको हम यहाँ पे उठा के रख देंगे थ्री। अब एक्स, एक्स की बात हो रही है ना, तो एक्स भी रखेंगे, थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखिए पेयर बनाएंगे, थ्री एक्स का स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, ये माइनस, ये पेयर बनेगा, माइनस कॉमन लेंगे फोर एक्स, अंदर क्या हो जाएगा प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे आप देखिए थ्री एक्स स्क्वायर और थ्री एक्स, तो थ्री की टेबल में थ्री आ रहा है और एक्स मिनिमम पावर वाला बाहर निकाल देंगे, सेम सेम है इसलिए थ्री एक्स बाहर निकल आएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, थ्री एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स बचेगा, यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर वन बचेगा। और यहाँ पे देखिए माइनस का फोर, तो फोर वन जा फोर, तो फोर हमारा कॉमन निकल के आएगा, एक्स प्लस वन। इसका मतलब एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब जो हमने बांटा है, जो हमने इसको डिवाइड किया है, वो हमारा सही है। एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन यहाँ पे है, तो कॉमन निकाल देंगे एक्स प्लस वन का, और यहाँ पे थ्री एक्स माइनस फोर बचेगा। भाई एक्स प्लस वन कॉमन निकाल देंगे दोनों में, तो क्या बचेगा, थ्री एक्स माइनस फोर। अब यहाँ पे एक बार एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो होगा, फिर थ्री एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो होगा, जहाँ पे एक्स इज इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा, और 3x इज इक्वल टू फोर उधर जाएगा, तो प्लस का 4x इज इक्वल टू फोर अपॉन थ्री, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा पिछले बार किए थे कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होते हैं, बराबर होते हैं माइनस बी अपॉन ए के, माइनस बी अपॉन ए के। ये देखिए हमने ये नहीं लिखा, तो ये समझ जाए कि x की वैल्यू जो है माइनस वन और फोर पॉइंट थ्री, मतलब ये अल्फा और ये बीटा हो जाएगा, मतलब ये जीरोज हो जाएंगे। तो हो गया, लिखें या ना लिखें, पर आप समझ जाइए कि x के दो वैल्यूज प्राप्त हुई, मतलब क्या हुआ, एक अल्फा है एक बीटा है, मतलब ये जीरोज हैं। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, तो हम डायरेक्टली लिखते हैं माइनस वन और प्लस फोर अपॉन थ्री, ये हो गया। और बी की जगह पे, बी की जगह पे माइनस वन है, तो माइनस माइनस वन, और ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे थ्री है, ए की जगह पे थ्री है, यहाँ पे ब्रैकेट है, ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं यहाँ पे, जब अगर एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो ऊपर वाले में माइनस का थ्री और प्लस का फोर हो जाएगा, अपान थ्री ही रहेगा। एलसीएम लेंगे वन और थ्री का, थ्री ही आएगा, वन थ्री जा थ्री, तो थ्री का इंटू वन के साथ होगा, तो माइनस का थ्री प्लस फोर अपान थ्री, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन अपान थ्री, ये वाला माइनस माइनस प्लस वन अपान थ्री। यहाँ पे देखिए फोर में थ्री जाएंगे कितना, भाई माइनस लगा छोटी वाली नंबर में, तो फोर में थ्री जाएंगे तो वन ही आएगा, तो वन अपॉन थ्री इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया सम ऑफ जीरोस। अब
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं, क्या देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, सी अपॉन ए होता है। तो सी की वैल्यू क्या है, -4, और पहले प्रोडक्ट निकालते हैं तो प्रोडक्ट -1 अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की जगह पे -1 और बीटा की जगह पे 4/3, ये हो जाएगा, और सी की जगह पे -4, ए की जगह पे 3, और यहाँ पे डायरेक्टली निकल के आएगा, क्या आ जाएगा, 1 का 4 के साथ इंटू करेंगे तो 4 ही, और माइनस लगाए तो -4/3 इज इक्वल टू ये -4/3। तो क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कोफिशियंट्स हैं उनके बराबर हो गया, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। मींस इस क्वेश्चन में हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बताना है, मतलब सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताना है। पहला क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ जीरोस 1/4 दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो -1 दिया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले लेट करते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अल्फा और बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अल्फा और बीटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जीरोज हैं। अब देखिए, जीरोज जब हैं ये, तो यहां पे हम देखते हैं कि 1/4 सम ऑफ जीरो है। क्या है, सम ऑफ जीरो, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है, इसको 1/4 दिया हुआ है ये। और आप सभी जानते हैं कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज होता है -p/a। तो हम यहाँ से नहीं कह सकते हैं कि b की वैल्यू दी हुई है ये 1 दी हुई है ना, 1 b की वैल्यू 1 दी हुई है, तो हम ये कह सकते हैं कि -b है यहाँ पे, तो b की वैल्यू माइनस का 1 निकल के आ जाएगी। माइनस b की वैल्यू निकल के आएगी, कंपेरिजन करेंगे तो 1 निकल के आएगी, तो b की वैल्यू -1, एक ही बात है, -b = 1, ये माइनस उधर चला जाएगा, तो b = -1, और a की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 4। a की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 4 निकल के आएगी। प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करें, किसकी, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो अल्फा इंटू बीटा होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और यहां पे देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब -1 दिया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है, c upon a होता है कि नहीं, c upon a होता है ना। अब देखिए -1 यहाँ पे दिया हुआ है ना, -1 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, 4 नीचे रहा होगा, 4 नीचे रहा होगा, a c upon a होता है ना, तो a की वैल्यू ऊपर वाले में क्या आई थी, 4, तो इसका मतलब 4 वाले में, मतलब a वाले में डिनोमिनेटर में 4 रहा होगा, और 4 रहा होगा तो इसका मतलब ऊपर वाले में भी माइनस का 4 रहा होगा। देखिए, क्योंकि 4 और 4 कटेंगे तभी ना 1 आएगा, -4 यहाँ पे है और 4 है, तो 4 और 4 कटेगा तो माइनस का 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझ गए होंगे, देखिए यहाँ पे a की वैल्यू दी हुई है, तो अपने से थोड़ा सा एग्जीक्यूट करना है यहाँ पे, तो वैल्यू इस निकल के आ जाएगी। तो C की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आ गई, माइनस का 4, और A की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 4 निकल के आ गई। तो हम बोल सकते हैं
हिंस रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल इज ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो इसमें वैल्यू रखेंगे ए की जगह पे ए, ए की जगह पे क्या रखेंगे ए, तो फोर एक्स स्क्वायर आएगा। बी की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे माइनस का वन, तो माइनस का वन का मतलब ये माइनस का वन, और सी के स्थान पे माइनस का फोर, तो माइनस का फोर ही आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर, ऐसे कह सकते हैं ना। तो ये ही हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हुआ। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन रूट टू वन अपॉन थ्री, ये दिए हुए हैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो वैसे ही करते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल किसका, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का, ठीक है ना। अल्फा और बीटा ये जो पॉलीनोमियल है इसका जीरोस है, तो सम ऑफ जीरोस दिया है रूट टू, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा है रूट टू दिया है। अभी मैं कुछ चीज़ें एक्सक्लूड करूँगा उसको देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए वन अपॉन थ्री लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा होता है, तो वन अपॉन थ्री है ही। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब सी अपॉन ए होता है ना, सी अपॉन ए होता है, मतलब सी की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई वन, और ए की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई थ्री, यहाँ से ए की वैल्यू थ्री निकल के आ गई। आपको एक चीज़ दिख रही होगी, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए होता है ना, ये माइनस बी अपॉन ए होता है। तो आप कह सकते हो कि ए नीचे रहा होगा, ए नीचे रहा होगा और इस टाइप से रहा होगा, ये रूट टू है, नीचे थ्री रहा होगा और कटा होगा थ्री के साथ, तब रूट का टू आएगा। नहीं समझे तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए रूट टू यहाँ पे है ही, और आप सभी जानते हैं कि सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए, और ए की वैल्यू यहाँ पे देखिए थ्री निकल के आ गई, इसका मतलब क्या रहा होगा, ये पहले ऐसा रहा होगा, नीचे में ए की जगह पे थ्री रहा होगा, ए की जगह पे थ्री रहा होगा, और ऊपर रूट टू है ही, लेकिन लेकिन ये ऊपर भी थ्री रहा होगा, तभी ना ये कटेंगे तो रूट टू निकल के आ जाएंगे, है ना, ये तीन और तीन कटेगा तो रूट टू निकल के आ जाएगा, तो समझ गए होंगे। अब यहाँ से b की वैल्यू माइनस बी इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, थ्री रूट टू, इसको आप बोल सकते हो b इज इक्वल टू माइनस थ्री रूट टू बोल सकते हो ना, और a की वैल्यू यहाँ से भी थ्री निकल के आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आसानी से एक पॉलीनोमियल निकाल सकते हैं, हेंस रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल क्या था, रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल ए एक्स स्क्वायर था, बी एक्स था, सी था ना, तो ए की जगह पे आप क्या रखोगे, ए की वैल्यू रखोगे तो थ्री एक्स स्क्वायर हो गया, बी की जगह पे वी की वैल्यू रखोगे तो माइनस थ्री रूट टू एक्स, और सी की जगह पे वन रखो, ठीक है, ये वैल्यूज निकल के आ गई, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल हुआ। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन में जीरो और रूट फाइव दिया है, सम ऑफ जीरो जीरो है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो रूट फाइव है, तो
तो हम मानते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ, अल्फा और बीटा क्या हैं, जीरोस हैं किसके, पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी के। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब सम ऑफ जीरो का मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या, जीरो दिया ही है, ये क्या है सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा है जीरो। इसको रुकिए अभी थोड़ा सा, इसका मतलब होता है बी अपॉन ए, थोड़ा सा यहाँ पे पॉज कीजिए, थोड़ा सा रुकिए। हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं, पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब अल्फा इंटू बीटा होता है और रूट फाइव ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब सी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ था, रूट फाइव अपॉन वन है, मतलब सी की वैल्यू क्या है, रूट फाइव है और ए की वैल्यू क्या है, वन है। ए की वैल्यू वन है तो यहाँ पे भी ए की वैल्यू वन रही होगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा जीरो अपॉन वन। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है, जीरो आ गई, कंपेयर करेंगे ए की वैल्यू वन आ गई। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ज्ञात कर सकते हैं, हेंस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये होता है। तो इसमें वैल्यूज हम लोग रखेंगे, ए की जगह पे एक वन रखेंगे तो मतलब एक्स स्क्वायर, बी की जगह पे जीरो रखेंगे तो जीरो एक्स, और सी की जगह पे क्या रखेंगे, रूट फाइव, ये आपका निकल के आ गया। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और करके किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस रूट फाइव, ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हुआ। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में दिया है वन और वन, मतलब सम ऑफ जीरो वन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो वन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग मानते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये होती है। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा क्या है, वन है। ठीक है, सम ऑफ जीरो वन है, और सम ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो इसका मतलब हम ये नहीं लिख सकते हैं वन अपॉन वन, तो यहाँ पे ये निकल गया है माइनस बी इज इक्वल टू वन, तो बी इज इक्वल टू माइनस वन लिख सकते हैं। ठीक है, और ए की वैल्यू हम लोग वन लिख सकते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू वन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो वन है तो वन हो गया, और सी अपॉन ए होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो इसको वन अपॉन वन नहीं कर सकते हैं, तो सी की वैल्यू क्या निकल के आई, वन, और ए की वैल्यू वन है ही, तो यहां से क्या निकल के आया, हेंस रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल इज ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, मतलब ए की वैल्यू क्या निकल के आई, वन, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, बी की वैल्यू माइनस वन निकल के आई, तो यहाँ पे माइनस वन हो गया, एक्स रहेगा ही, सी की वैल्यू क्या निकल के आई, वन, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, यही आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। इस एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो आप PSW में करके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।